उन्होंने कहा कि यहाँ का एक सकाफती खेल है, निशाना रखते हैं फिर फायर करते हैं, सब लोगों ने फायर किया है, अब मेरी बारी है। लग गई है, लग गई है। इनका कहना है लग गई है। चले जी, अब चेयरमैन साहब एक फायर करेंगे, जरा आप दिखाते हैं। चले, हम झील के बिल्कुल किनारे पे हैं और ये सकाफती खेल इस वक्त फायर हो रहा है, सामने निशाना है। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू है उस मुबारक नाम से जिसका नहीं सानी। मुखातिब आपसे मैं हूँ सुपट वैली से सैफुल्ला कोहिस्तानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं इस वक्त ज़िला अपर कोहिस्तान की एक हसीन वादी, वादिय सुपट, और वादिय सुपट में बिलखसूस एक हसीन टुकड़ा है जिसे शमेस बेग कहा जाता है। शमेस बेग वादिय सुपट के हुसन को मज़ीद दोबाला कर देता है। नाजरीन, ये बेग इंतहाई अहमियत के हामिल है। इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए है, यहाँ तीन झीलें पाई जाती हैं। जो एक झील है, वसीओ अरीज है, बड़ी झील है जिसका नाम शमेस झील है, जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। आज हम उस झील पर जाएंगे, उस झील को कैमरे की आंख में महफूज करके आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ मेरे अकब में भी एक आपको एक झील नज़र आ रही होगी, एक इसके पीछे भी दो यहाँ छोटी झीलें हैं, एक बड़ी झील है। इसके साथ साथ इन झीलों में ट्राउट मछली, एक नायाब मछली है, ट्राउट देसी मछली इन झीलों में पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं, लोगों के पास माल मवेशी है। इससे बढ़कर मुकामी लोगों ने मुझे ये बताया, यहाँ का जो घास है, यहाँ की जो चरागाहें हैं, इंतहाई ताकतवर हैं, जिसकी वजह से माल मवेशी इंतहाई वाफिर मकदार में दूध देती हैं। नाजरीन, हमारा सफ़र जो है वो जारी और सारी है। हमारे साथ मुकामी लोग भी हैं, हमारे साथ तहसील चेयरमैन दासू मलक मोहम्मद इदरीस साहब भी हैं, उनके हमरा आज हम आए हैं। शमेस लेक हम जाएँगे, शमेस लेक को कैमरे की आँख में महफूज करके दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम शमेस लेक की जानिब अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ता इंतहाई पुरकशिश है, थोड़ा बहुत कठिन भी है। इंशाल्लाह थोड़ा सा रास्ता रहता है शमेस लेक पहुंचने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको शमेस लेक पहुंचकर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, कठिन रास्तों से होते हुए बिलाखिर हम शमेस लेक पहुंच गए हैं। मेरे अकब में आपको शमेस लेक का नीलगो शफाफ पानी नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, यहाँ हम पहुंचे हैं, हमारे साथ तहसील चेयरमैन दासू भी हैं, इनके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, मुकामी लोग भी हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि यहाँ का एक सकाफती खेल है, निशाना रखते हैं फिर फायर करते हैं, सब लोगों ने फायर किया है, अब मेरी बारी है, तो फायर करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको झील के जो दिलकश मनाजिर हैं वो भी दिखाते हैं। लोड है जी, और ये बंदूक कौन सी है चेयरमैन साहब? M16। चले जी, चले ट्राई करते हैं। हमेशा लग गई है, लग गई है। इनका कहना है लग गई है। चले जी, अब चेयरमैन साहब एक फायर करेंगे, जरा आप दिखाते हैं। चले चेयरमैन साहब, ये यहाँ का सकाफती खेल है, हम झील के बिल्कुल किनारे पे हैं और ये सकाफती खेल इस वक्त फायर हो रहा है, सामने निशाना है। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल हिट हुआ है। चेयरमैन साहब मेरे ख्याल में इस काम में भी महारत रखते हैं आप, कमाल है। चलें जी, नाज़रीन अभी इंशाल्लाह आगे जाएंगे, आपको जो झील के दिलकश मनाज़र हैं वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ का जो सकाफती खेल था निशानेबाजी, निशानेबाजी के बाद हम शमेस लेक के किनारे पर पहुंच आए हैं। शमेस लेक के चारों इतराफ़ में बुलंद बाला पहाड़ हैं और पहाड़ों के दामन में इंतहाई वसीओ अरीज़ नीलगो शफाफ पानी पर मुश्तमिल ये झील है।
नाजरीन, इस झील के खासियत के बारे में आपको बताता चलूं, ये झील प्याले के मानंद है। इसका पानी ज़मीन बोस होकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसका पानी ज़ाहिर होता है। अगर आप अल्लाह ताला की शाहकारी को देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को देखना चाहते हैं, कम से कम एक दफ़ा आपको शमेस लेक ज़रूर आना चाहिए। जब इस लेक पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी और मुझे वो आयत याद आ गई, फबियी आला रब्बिकुम अदुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह ताला ने कोहिस्तानियों को इस नेमत से नवाजा है। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ मुकामी लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस झील के हवाले से। बढ़ते हैं मुकामी लोगों की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। जवानों को मेरी आह है सहर दे। नाज़रीन, कोहिस्तान में जहाँ भी जाएँ, जिस कोने में भी जाएँ, नौजवान हमें मिल जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बिलखसूस यहाँ के नौजवान इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं। हमारे साथ यहाँ के मुकामी नौजवान हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इस इलाके की सकाफ़त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये जो इलाका है इसका महल वकू के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम शेर गज़ब है। अच्छा शेर गज़ब भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर गज़ब भाई, ये झील कहाँ वाक़ है, थोड़ा सा बताइएगा। यह हमारा शमेस का वाक़ है। अच्छा, शमेस तक कैसे आया जाए? एक बंदा अगर इस झील को देखना चाहता है तो वो कैसे आएगा, अपनी ज़बान में बताएं, बेशक मैं फिर उर्दू में बता दूंगा। सर, वो नारा से जी पे आल ना नारा जी पे आई शमेस बेग आल दुई आज दुई बेसा दी बुई सने के रहा खाना माना निज़ाम पुरजू निज़ाम फ्री मजा। अच्छा, साथ बे बुस अटे शमेस जल्द अटे पशरे सने के रहा वापसी हरी फिर गाड़ी बिदे आ रुखसत थोन असे जिमारी। अच्छा, हाँ सर, बेत्यार नस। ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस नौजवान का कहना था आपको सबसे पहले नारान आना होगा। नारान से 10 से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर एक सोच विलेज है। सोच विलेज से आपको मुकामी जीपें मिलेंगी, उस जीप पर बैठकर आपको शमेस बेग आना होगा। यही बात है, शमेस बेग जब आप पहुँचेंगे तो ये नौजवान आपको मिलेगा। इनका ये कहना है कि फ्री खाना मिलेगा, फ्री रिहाइश मिलेगी, आपको फ्री गाइड करेंगे, तमाम दर जो यहाँ का जो इलाका है, ये जो झीलें हैं, आपको यहाँ घुमाया जाएगा, फिर वापस आपको इज्जत के साथ, अमन के साथ आपको खुश करके वापस भेजा जाएगा। यही बात है सर। मेरे साथ शमेस के मुकामी लोग मौजूद हैं। इस लेक के हवाले से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इस लेक की खासियत क्या है। यहाँ कुछ हमने इस लेक के हवाले से कुछ बातें सुनी थी, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीछे आ सरे बारे दिमोड रहा तो आ कचा करी क्या तो आ सरड़ ना आल से या आल ना दियो मुशोड़ मो या मो मार करे मस यो जो है आ सरे खासियत जो कहीं खासियत जब बड़ी मारे सदर सरी आ रजन कह दी आ कर हलाल थे आ सरे और ऊपर वो आल तो कर रजान था आज जो आज जो कसम है कसम था ना बोना था ना तो लश मारे आधे सर एक मिशाल चढ़नेगा ट्रेने से वापस इतना ये अरोनी के अंडी चप मुता अत बड़ी अत बड़ी हो ठीक है ठीक है। तो आ आ सरल जक एन सो जक अटिया तो ना सरल आल तो है आल तो टूण के ना टूण। अच्छा नाजरीन, ये मुकामी बुजुर्ग है, इनका कहना है कि अगर कोई भी टूरिस्ट आते हैं, हम उनको यहाँ लेकर आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाई, वो चेयरमैन साहब के ज़बानी हम सुनेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, इन्होंने कहानी सुनाई कि यहाँ अगर बकरे को ज़बह किया जाए, फिर उसको पकाया जाए, बंदा पूरा चक्कर अगर काट के आए तो वो खा के ख़त्म कर देते हैं, इतनी बड़ी झील है, ये हकीकत है इसमें? ये इस तरह हुआ है ना, यहाँ लोगों के आपस में कोई शर्त लगी, शर्त लगी तो एक आदमी को इन्होंने यहाँ से भेजा और बाकी दो तीन आदमी चार आदमी उस वक्त के कितने थे तो उन्होंने एक बकरा ज़बह कर दिया। वो ज़बह कर दिया तो वो इधर आने आने तक उन्होंने वो पका कर गोश्त भी खाकर ख़त्म किया था। ये इतने लंबी झील है। अच्छा जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा चेयरमैन साहब, झील बड़ी खूबसूरत है, रसाई नामुमकिन है। खैर रास्ता बड़ा अच्छा है, कठिन है थोड़ा बहुत, मगर इंतहाई दिलफरेब रास्ते हैं। आप जब झील पर आपकी पहली नज़र पड़ती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है, तो कोई किरदार अदा करेंगे, कोई रास्ता वगैरह के कोई ऐसा रोड हो जाए जहाँ टूरिस्ट आजाद वो आसानी से आ सकें? इंशाल्लाह, हमारा तो ये प्रोग्राम है कि आने वाले साल तक हमारे निज़ाम को भी बेहतर होगी हो गई तो मैं पहले इस पर तवज्जो रखूँगा, यहाँ के लिए रोड निकालूँगा। लेकिन अलबत्ता
ना भी हुआ तो हमारे मकामी लोग जो है वो रहनुमाई करके उनके साथ इंशाल्लाह बड़ी इज्जत के साथ उनकी सैर व तफरी करा कर वापस पहुँचाएंगे। बिल्कुल, मेरी यहाँ नौजवानों से भी बात हुई। नाज़रीन, यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं। नौजवान से पहले बात हुई, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम फ्री खाना देंगे, फ्री रहाइश देंगे, उनको फ्री गाइड करेंगे। इससे बड़ी कोई आपके लिए बात नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान में जहाँ भी जाएंगे, सबसे पहले जो पोर्टल होते हैं उनके साथ रेट फिक्स किया जाता है, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। यहाँ तमाम तर चीज़ें फ्री हैं, आपको आना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत देखनी चाहिए। शमेस के हम किनारे पर बैठे हुए हैं, ये शमेस के मुकामी लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाएंगे, फिर आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम पज़ीर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सुपट वैली जिंदाबाद, सुपट वैली जिंदाबाद, शमेस लेक जिंदाबाद।